नंबर एटी नाइन, असाइनमेंट नंबर 89। एक बार प्लीज देखो, असाइनमेंट नंबर 89। देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ गिवन है। कितने गिवन है? 220 साइन ऑफ 100 पाई इनटू टी। और हम अगर इसे कंपेयर करें विद ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 220। और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 पाई। ठीक। आगे आपको इंडक्टेंस गिवन है। इंडक्टेंस का मतलब एल गिवन है, हेनरी में। इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट निकालो। अगर आपको पिछला लेक्चर थोड़ा आपने रिवाइज किया हो, उसमें यह बताया गया था इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे होती है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होती है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। तो क्योंकि ये केस इंडक्टर का है, सिर्फ इंडक्टर का है, इसमें वोल्टेज की वैल्यू आगे है तो करंट की वैल्यू इसमें थोड़ी सी पीछे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। तो अगर मैं करंट की इक्वेशन बनाऊं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या बनेगी? पाई बाय टू, क्योंकि करंट ईएमएफ से पीछे है, या उल्टा बोल सकते हैं कि ईएमएफ करंट से आगे है। तो अगर ईएमएफ ये है, हमने डेरिवेशन भी की थी, करंट का केस हमने क्या किया था? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक। तो ओमेगा टी में ओमेगा तो मुझे पता ही है, 100 पाई पुट कर लूंगा, सिर्फ क्या निकालना है मुझे? आई नॉट। ठीक। आई नॉट निकालने के लिए मुझे क्या गिवन है? मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी, हाँ ओमेगा तो मुझे पता ही है यहाँ पे क्या है। तो आई नॉट का मतलब क्या होगा? ई नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि ये केस ओनली इंडक्टर का है, इसमें आर नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा? सिर्फ एक्स एल। ठीक। अगर इसमें आर भी होता, एक्स एल भी होता, तो फिर डिनोमिनेटर में क्या आता? जेड। जेड इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इसमें प्योर इंडक्टर है तो सिर्फ एक्स एल। ये भी याद रहे, अगर मैं आई नॉट निकाल रहा हूं तो यहां ई नॉट पुट करना पड़ेगा। अगर मैं यहां आई आर एम एस निकाल रहा हूं तो यहां पर ई आर एम एस पुट करना पड़ेगा। ठीक। अब मेरे को ई नॉट निकालना पड़ेगा। ई नॉट मेरे पास है कितना? 220। एक्स एल क्या होता है? एल ओमेगा। एल मेरे पास है, ओमेगा मैं यहां से पुट कर दूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा? आई नॉट। इसको पुट करके आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू इसमें कैसे निकलेगी? तो यहां से इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। इसने भी ऐसे किया है। तो इसमें आई नॉट इज ई नॉट बाई एक्स एल, सेम आई नॉट को पुट कर लिया, सेम इसमें आई आर एम एस भी निकालना है, तो आई आर एम एस क्या होगा? आई नॉट बाई रूट टू। आंसर ठीक है यहां तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल गिवन है, इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम ईएमएफ गिवन है, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। इंडक्टेंस हेनरी में होती है, एल गिवन है। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ का मतलब ई नॉट गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पीक करंट निकालना है। अभी अभी मैंने बताया, पहले चेक करो इस सर्किट में लगा क्या हुआ है, ओनली इंडक्टर। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स एल। एक्स एल क्या होता है? एल टाइम्स ओमेगा। ई नॉट पता है, एल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, आंसर आई नॉट आ गया। और आई नॉट जो, क्योंकि इंडक्टर का केस है, एक लाइन लिखनी है तो लिख दो कि इसमें करंट पीछे होगा, लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। क्लियर है यहां तक? लिखना लिख दो, मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन में जो आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें लिख सकते हो, मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, करंट की वैल्यू के साथ मेंशन कर सकते हो कौन आगे होगा कौन पीछे होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, एक कैपेसिटर गिवन है, ये सी गिवन है, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। 220 क्या गिवन है? ई आरएमएस फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या निकालना है? एक्स सी, तो 1 बाय सी ओमेगा, ओमेगा इज 2.2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है, सी पता है आंसर। फिर क्या निकालना है? आरएमएस और पीक करंट, आरएमएस करंट के लिए ई क्या पुट करना पड़ेगा? आरएमएस। रेजिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है इसमें? कैपेसिटर, तो क्या आएगा? एक्स सी। ई आरएमएस पता है, एक्स सी पता है आंसर। आई आरएमएस आ गया तो आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? रूट टू इंटू आई आरएमएस आंसर। तो ये जो करंट है ये प्लस 147 से माइनस 147 के बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि एक साइकिल पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होता है, एसी है ना, तो इसे दोनों रेंज लिख दी। वैसे जरूरत नहीं है, आप आईआरएमएस करके छोड़ सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, यहां तक कैसे करना समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है? एक कैपेसिटर गिवन है। 16th क्वेश्चन में एक कैपेसिटर गिवन है जिसकी सी की वैल्यू आपको गिवन है। आपको इसमें ईएमएफ की इक्वेशन गिवन है 250 साइन ऑफ 100 पाई इनटू टी। राइट एन इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। तो पहली बात तो ई की वैल्यू आ गई, ई की जो वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू मुझे पता है, तो कंपेयर कर लेते हैं। ई इज इक्वल टू ई नॉट इनटू साइन ऑफ व्हाट? ओमेगा टी। ओमेगा तो आ गया, ई नॉट भी आ गया। इंस्टेंटेनियस करंट में क्योंकि ये कैपेसिटर का केस है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होती है, करंट आगे होता है, तो करंट आगे का मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी आगे का मतलब प्लस पाई बाय टू। ठीक है, यहां तक प्लस पाई बाय टू। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? आई नॉट। आई नॉट क्या होता है? साइड पे लिखा हुआ है ई नॉट बाई एक्स सी। एक्स सी क्या होता है? 1 बाय सी ओमेगा। सी ओमेगा ऊपर चला गया तो ई नॉट इंटू सी ओमेगा, तो लिख देख सकते हो ई नॉट इंटू सी ओमेगा। ओमेगा पता है, सी पता है, ई नॉट पता है आंसर। फिर क्योंकि आपको आई नॉट पता लग गया, यहां से आई आर एम एस निकालना है, 0.707 इंटू आई नॉट आंसर आ गया। ठीक, तो आइडिया समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th, 200 मिली हेनरी प्योर इंडक्टर। तो मिली हेनरी का मतलब L गिवन है, L गिवन है। 5 माइक्रो फैरेड प्योर कैपेसिटर गिवन है। तो एक एक L गिवन है, एक C गिवन है, कनेक्टेड 1 बाय 1, इकट्ठे नहीं, LC सर्किट नहीं है। पहले L लगाया, फिर L हटा दी, फिर C लगाया। किसके साथ लगाया? साइनोसाइडल वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा आ जाएगा 1000 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी 70.7। वी नॉट या ई नॉट एक ही बात है। क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर करंट इन ईच केस। पहले मान लो हमने इंडक्टर लगाया, इंडक्टर में अगर इक्वेशन बनेगी तो इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होती है, करंट आगे होता है। तो कैपेसिटर की करंट की इक्वेशन में लास्ट में बॉक्स में बुकलेट में करवाई थी, प्लस आता है, और इंडक्टर में करंट की इक्वेशन में माइनस आता है। आई नॉट क्या होगा इंडक्टर के केस में? वी नॉट बाई एक्स एल। कैपेसिटर के केस में वी नॉट बाई एक्स सी। एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा। वी नॉट आपको पता है 70.7 है, ओमेगा पता है, एल पता है आंसर। आई नॉट पुट करेंगे आंसर। ऐसी वी नॉट बाई एक्स सी, एक्स सी क्या होता है? 1 बाई सी ओमेगा। सी ओमेगा ऊपर चला गया, ये सारी वैल्यूज पता है, आई नॉट आंसर। तो इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्ट जो करंट्स हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के, इसमें आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है? तो अब अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आप ट्राई करोगे, बट